वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे यूपीसीएल के लिए, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इस पे कुछ बताइए, अपनी भी कुछ राय रखिए या फिर आपके पास जो अपडेट है वो हम सभी से साझा कीजिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैंने सारी चीज़ों पे डिस्कशन करूँगा मैं कि प्राइवेटाइजेशन की जो न्यूज़ चल रही है उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है अपकमिंग वैकेंसीज़ पे और किन किन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, या फिर प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं और अपकमिंग वैकेंसी के बारे में क्या चांसेस या कब तक वैकेंसी आ सकती है। इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसे ही अपडेट की वीडियोज़ और ऑथेंटिक वीडियोज़ मैं लाता ही रहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखा है। टेलीग्राम पे जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दोस्तों वहाँ पे मैंने बहुत सारे बुक्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करके रखे हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो डेली बेस की न्यूज़ आती रहती है वैकेंसी से रिलेटेड, जो मैं वीडियो के फॉर्म में आपको नहीं बता पाता हूँ, उसको मैं जो भी उसकी कटिंग रहती है उसको मैं टेलीग्राम पर पूर्ण प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उस चीज़ से भी अवेयर हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़रा टाइम ना नष्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन को लेके कि यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन की जो न्यूज़ आजकल मार्केट में चल रही है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो यूपीपीसीएल में प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, जी हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है कि यूपीपीसीएल को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए लगातार सरकार जद्दोहद कर रही है, लगातार कोशिशें अपनी जारी है। और इस समय जो पीवीएनएल में जो यूपीपीसीएल की ही एक कंपनी है उसको लगातार प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, और उसके अंतर्गत आने वाले 6 जिलों जिसमें गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज इत्यादि जिले शामिल हैं, इन सब की आपने कटिंग देखी होगी। मैं किसी कटिंग के माध्यम से आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सभी ने कटिंग देखी होगी जो भी वायरल कटिंग्स हैं। तो इस प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत पहले ये 6 जिले प्राइवेट हो रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट होने की बात हो रही है, अभी इस पर हरी झंडी नहीं मिली है। और अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि लॉकडाउन से पहले, तो अभी जब तक ये जो भी कोरोना के वायरस की वजह से चल रहा है तब तक पूरी चीज़ें नहीं लागू की जा सकती, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग में होता है। आप किसी चीज़ को बचपन से अपने ऊपर से करते आ रहे हो और फिर किसी और को ट्रांसफ़र करना है, तो एक झटके में आप सारे काम वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत सारे काम अभी पेंडिंग में है और इतने जल्दी काम हो भी नहीं जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि प्राइवेट अभी नहीं हुआ है, प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, सरकार पूरी जद्दोहद कर रही है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं जद्दोहद डिप्लोमा संघ, इंजीनियर संघ कर रहा है इस प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए। और बहुत सारे लोग लिंक को शेयर कर रहे हैं, विरोध में शामिल हो रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी आपको लिंक मिले, कहीं भी आपको ट्विटर पे आपको रीट्वीट करने का ऑप्शन मिले, मतलब कहीं से भी आपको लगे कि हाँ विरोध करना है, तो आपको वहाँ पे आपको मिल रहा है अवसर, तो बिल्कुल विरोध कीजिए क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है। और आप सभी जानते हैं कि जो भी बंदे यूपी या किसी अन्य स्टेट के भी जो भी बंदे होते हैं वो अगर डिप्लोमा आईटीआई बीटेक करते हैं तो इलेक्ट्रिकल से करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी उम्मीद जो होती है वो होती है यूपीपीसीएल। कोई और वैकेंसी आती है जाती है उसका एक अलग मुद्दा है, लेकिन यूपीपीसीएल के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसकी तैयारी करने के लिए एकदम डेडिकेटेड होते हैं कि यूपीपीसीएल की वैकेंसी आ गई है। तो आपको जहाँ पर भी मौका मिले उसका विरोध करिए और उसका सपोर्ट करिए जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो पहले मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि विरोध हो रहा है और लगातार प्राइवेटाइजेशन का विरोध हो रहा है। तो मैं आपको इसके अलावा, बहुत सारे लोगों का अब ये डाउट है कि सर मान लीजिए कि प्राइवेट हो गया, वैसे ये उम्मीद मत रखिए कि प्राइवेट हो जाए, क्योंकि आप कोशिश करिए, हम सभी कोशिश करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन ना हो। तो मेनली लोगों की ये सवाल है कि प्राइवेट होने के बाद वैकेंसियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्राइवेट होने के बाद वैकेंसियाँ आएंगी ही आएंगी, ऐसा नहीं कि वैकेंसी आपको खत्म होने हैं। 6 जिलों में ही सारी वैकेंसियाँ नहीं रहती, या फिर 6 जिलों में ही जेईई ही नहीं रहते हैं, और भी बाकी ज़िले हैं यूपीपीसीएल के अंतर्गत जो भी, वहाँ पे वैकेंसी आनी ही आनी है। और मैं भी लास्ट में आपको अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में भी थोड़ा आपको जो भी मेरे पास अपडेट है वो उस मैं बताऊँगा, पहले जो हम डिस्कस कर ले रहे हैं उसे ही जान लेते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मतलब सपोज 6 जिले जो प्राइवेट हो गए हैं उन पे वहाँ पे जो JEE या फिर TGT2 रहेंगे, क्या वो सारे मतलब प्राइवेट ही रहेंगे, या मतलब जो कंपनी लाएगी, जो कंपनी रखेगी, क्या वही रहेगी? तो नहीं ऐसा दोस्तों, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे मिक्स रहेंगे, मतलब कुछ मे बी कुछ कंपनी के भी, कंपनी द्वारा जो जो कंपनी को टेंडर दिया जाएगा वो कंपनी के कुछ लोग रहेंगे, और जो यूपीपीसीएल के मेन लोग वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और लीडर की भूमिका में यूपीपीसीएल ही रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ जो मतलब जो चीज़ें इलिमिनेट हो रही है उसके बारे में भी जान लीजिए
कि जैसे पहले क्या होता था यूपीसीएल में, जो बिजली लगाने मीटर लगाने का काम हो या फिर छोटी छोटी जो काम होते थे आउटसोर्सिंग के माध्यम से, आपने सुना होगा ये वर्ड आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो काम होते थे और जो काम लोकल ठेकेदार कराते थे, जैसे JEE के अंडर में जो कुछ ठेका आ गया वो नॉर्मल किसी भी ठेकेदार को अपने मनपसंद के हिसाब से ठेके पर लगा दिए कि हाँ भाई आप ये काम कर लीजिए, तो ये थोड़ा सा अधिकार JEE के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन सारे कामों को करने के लिए UPPCL में कंपनी हायर की जाएगी, कि कंपनी सेलेक्ट की जाएगी जो छोटे मोटे जो बिजली लगाने का काम है, बिल लेने का काम है, ये सारे काम अब वो बिजली के थ्रू होगा। यहाँ पे ठेकेदारों की जो भूमिका थी वो खत्म होने वाली है, और UPPCL में जितने भी ठेकेदार काम कर रहे थे, अपनी मनी जनरेट कर रहे थे UPPCL के थ्रू, कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का सबब ये जरूर है। और रही बात जो वैकेंसी TG2 की, वैकेंसी TG2 की वैकेंसी दोस्तों कम आएगी जरूर, लेकिन आने की पूरी संभावना है, और अभी जो रिक्रूटमेंट 608 वैकेंसियों पे जो रिक्रूटमेंट आई है, इसके बाद भी पूरी उम्मीद है कि वैकेंसियां आएंगी ही आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वैकेंसियां आएंगी, TG2 की भी आएंगी, चाहे ही वो भले ही वैकेंसियां कम हो, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि 2018 में जो करीब 2019 में करीब दोस्तों 4100 पदों पे वैकेंसियां कैंसिल हो गई थी लाइनमैन के पोस्ट पे, तो वो वैकेंसियां अभी भी वैकेंट हैं, तो ऐसी सारी वैकेंसियों के आने की संभावना अभी भी बनी हुई है, उस पर कोई दो राय नहीं कि वैकेंसियां हो सकता है मे बी वैकेंसियां रिड्यूस हो कुछ कम हो, लेकिन वैकेंसियां आएंगी इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सिर्फ 6 जिलों पे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, बाकी बचे जिलों में तो रहेंगे ही रहेंगे, तो इन सब चीजों से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब JEE की वैकेंसी कब तक आएगी, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है और आपको जो भी नोटिफिकेशन अभी UPSL में दो वैकेंसियों के लिए आपको देखने को मिला है, तो उन पे भी अभी एग्जाम की जद्दोहद चल रही है, जब भी उनका एग्जाम हो जाए, और यहाँ पे जो ज्वाइनिंग पड़ी हुई है JEE की, तो ज्वाइनिंग हो गई अभी, शायद JEE की थोड़ी सी ज्वाइनिंग पेंडिंग में है, हालांकि उनको भी थोड़ा बहुत वेरीफिकेशन जो फाइनल वेरीफिकेशन था वो कराया जा चुका है, अब निश्चित जितने जल्दी उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, तो यहाँ पे वैकेंसी आपको थोड़ी सी जरूर कोरोना वायरस की वजह से लेट मिल सकती हैं, लेकिन अभी भी मैं एक्सपेक्टेड जो भी मुझे अपडेट मिली उसके हिसाब से अभी भी एक्सपेक्टेड वैकेंसी आपको सितंबर अक्टूबर में मिल सकती है, मे बी ये वैकेंसियाँ दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से लेट हो सकती हैं, लेकिन जो आप एक्सपेक्टेड है वैकेंसी जो एक्सपेक्टेड है JEE की, वो यही है कि अक्टूबर नवंबर या फिर दिसंबर तक भी आपको वैकेंसियाँ देखने को मिल जाए, अगर आपको दिसंबर तक भी देखने को मिल जाए, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है और इस टाइम थोड़ा सा सियोरिटी नहीं रह जाती चीज़ों में कि हाँ मे बी 10-15 दिन डिले हो जाए, लेकिन कोरोना टाइम की वजह से आप बिल्कुल भी किसी चीज़ से श्योरिटी नहीं होती कि हाँ मतलब आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स जैसे SSC को ही ले लीजिए, लगातार एग्जाम डिले पे डिले किया जा रहा है, हालांकि SSC चाहता है कि उसके एग्जाम तुरंत हो जाए, लेकिन उसे मजबूरन डिले में डिले करना पड़ रहा है, तो उसी तरह UPSL का भी हाल है कि वैकेंसियां वो देना चाह रहा है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग में रह जाते हैं, जैसे अभी ज्वाइनिंग का काम हो गया या फिर TG2 वालों का एग्जाम हो गया, इसके अलावा जो एक और रिक्रूटमेंट आई है उसका एग्जाम होना बाकी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों बहुत सारे TG2 के कैंडिडेट्स परेशान हैं कि सर ये क्या वैकेंसी लास्ट है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, लास्ट वैकेंसी नहीं है, आपको अच्छी मात्रा में वैकेंसी देखने को ज़रूर मिलेगी, मे बी वो वैकेंसी 1500 से 2000 के बीच देखने को मिल सकती है आपको, या फिर आपको 3-4 हज़ार पे भी देखने को मिल सकती है, हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसी TG2 के लिए कोई भी कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना मुझे जरूर कंफर्म है कि वैकेंसी आएंगी और इस बार से ज़्यादा ही ज़्यादा वैकेंसी आएगी। और जहां तक दोस्तों JEE की वैकेंसी की बात है, तो अभी जो हाल फिलहाल में रिक्रूटमेंट आएगी उसमें JEE की वैकेंसी और JEE की वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम देखने को मिल सकती है आपको, लेकिन वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी, और ऐसा नहीं कि जो आने वाली रिक्रूटमेंट वो लास्ट होगी, वो भी लास्ट नहीं होगी, इसके बाद की भी रिक्रूटमेंट आनी ही आनी है। और डिप्लोमा संघ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, इंजीनियर संघ विरोध कर रहा है, UPSL के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, तो इस चीज़ की उम्मीद लगाई जा सकती है दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी बार आप सभी जानते हैं कि 2018-2019 से बहुत सारी बार प्राइवेटाइजेशन की कोशिश हुई है और हर बार इन्हीं विरोधों ने नाकाम किया है, तो पूरी उम्मीद है कि इस बार भी नाकाम हो, उनके इरादे नाकाम हो, तो यही सारी एक अपडेट थी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी इस न्यूज़ से कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपका किसी भी सब्जेक्ट पे डाउट है, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।